हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे पढ़ाई को। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आपकी हिंदी की बुक रिमझिम से ये एक कहानी, जो कि आपकी क्लास की जो हिंदी की बुक के अंदर ये नौवां पार्ट है, अकल बड़ी या भैंस। यानी कि हम लोग अकल के बारे में, यानी कि इंटेलिजेंस के ऊपर एक चैप्टर, एक कहानी पढ़ने वाले हैं आज। और इसके अंदर एक नहीं बल्कि दो कहानी है बच्चों। कितनी मजेदार बात है, एक पार्ट के अंदर आपको एक नहीं बल्कि दो कहानी मिलने वाली है। और दोनों ही कहानी आपके लिए बहुत ही मजेदार है और बहुत इंजॉय भी आप लोग करने वाले हो। चलो फिर शुरू करते हैं। और चैनल को पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। लाइक तो भाई सबको ही करना है, और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब कर लिया वो तो बहुत अच्छी बात है। जो आज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो। और इस कहानी को अब मैं शुरू करने वाला हूं, जिसका नाम है अकल बड़ी या भैंस। तो देखो बच्चों, अब इसके अंदर जो कहानी है, कहां की कहानी है और किसके बारे में, अब हम पढ़ते हैं तभी हमें पता लगेगा। चलो पढ़ते हैं। अफंती के शहर में एक पहलवान भी रहता था। यानी कि ये जो कहानी है किसके बारे में, अफंती के बारे में। बड़ा ही अलग सा नाम है ना अफंती। तो अफंती कोई एक पर्सन है, एक इंसान है, जिसके शहर में एक पहलवान भी रहता था भाई। यानी कि एक अफंती की और एक पहलवान की ये कहानी है, ठीक है। दोनों एक ही शहर में रहते थे। एक दिन वे आफंती से बोला, कौन, पहलवान। देखो आप लोग कॉमिक्स वगैरह पढ़ते हो बच्चों, तो जिस तरह से कॉमिक्स होता है, कॉमिक्स में भी देखो ऐसे ही कैरेक्टर आपको दिखाए जाते हैं। यानी कि ये जो आपको बहुत मजबूत सा, स्ट्रांग सा, बॉडी बिल्डर जैसा जो इंसान दिख रहा है आपको, ये कौन है, यही पहलवान है भाई। मैं इसकी बात कर रहा हूं। और अगर मैं आफंती की बात करूं तो ये जो दिख रहे हैं आपको, कमजोर से दिख रहे हैं, ये हमारे आफंती हैं। तो ये दाढ़ी वाले तो आफंती है और ये आपके पहलवान है भाई इस कहानी के अंदर। तो भाई आफंती और पहलवान के बीच में बातचीत होती है और वो एक दूसरे से कुछ बोलते हैं। तो सबसे पहले पहलवान बोलते हैं, तुम भले ही अकल में बड़े हो लेकिन ताकत तो मुझमें अधिक है। पहलवान क्या बोलते हैं, तुम अकल में बड़े हो गए लेकिन मेरे अंदर क्या है, ताकत बहुत है। यानी कि मैं ताकत को अगर की अगर बात की जाए तो ताकत के हिसाब से मैं अधिक बलवान हूं, मैं तुमसे बड़ा हूं, तुमसे स्ट्रांग हूं, ये बोल रहा है आफंती। यानी कि आफंती के जो दोस्त हैं, पहलवान है, वो उसे क्या बोलना चाह रहे हैं, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई तुम अकल में बड़े हो लेकिन अगर मैं ताकत की बात करूं तो ताकत तो मुझमें भी अधिक है। यानी कि मुझमें तुमसे ज्यादा ताकत है और मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। कौन बोलता है ऐसा, ऐसा बोलता है भाई ये पहलवान। देखते हैं भी और आगे क्या बातचीत होती है इन दोनों के बीच में। तो फिर अब अफंती बोलता है, अच्छा पर यह तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। लो भाई, अब ये जो हमारे अफंती है उन्होंने पूछ ही लिया कि ये बताओ भाई तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, अपनी ताकत के बारे में बताओ कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तो लो भाई, हमारे जो पहलवान है इस कहानी के अंदर, तो वो बताते हैं अपनी ताकत के बारे में। मैं 5 क्विंटल कि पत्थर को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूं। यानी कि 5 क्विंटल इतना भारी सामान को उठाकर के ये पहलवान आसमान में फेंक सकता है। कितना, 5 क्विंटल भाई, बहुत होता है भाई। हम लोग तो किलो में भी उठाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, और ये किलो में नहीं, क्विंटल की बात कर रहा है भाई ये। अच्छा भाई, अब देखते हैं भाई हमारे जो कहानी के जो दूसरे कैरेक्टर है, ठीक है, कौन, आफंती। अब आफंती इनके साथ क्या बोलते हैं, तो आफंती बोलते हैं, अच्छा आओ मेरे साथ, देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। अब क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं, आफंती बोलते हैं कि आओ मेरे साथ और देखते हैं कि कौन अधिक ताकतवर है। कौन कौन बोलता है ऐसा, ऐसा बोलता है आफंती बोलता है, और जो पहलवान है वो बोलता है ठीक है। ये देखो ये रहा पहलवान, तो इसने क्या बोला, आओ मेरे साथ और भाई देख लेते हैं भाई कौन अधिक ताकतवर है, यानी कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है उसको देख लेते हैं भाई, ये बोल रहे हैं ये। और ये क्या बोलते हैं, चलो भाई ठीक है भाई, चलते हैं और देखते हैं भाई। तो भी आगे क्या होता है, अब आगे पढ़ते हैं फिर बच्चों में पता लगेगा। तो भाई आफंती जो होता है वो क्या करता है, आफंती पहलवान को शहर की 4 दीवारी के पास ले गया और बोला, ये जो आफंती आपको दिख रहा है, ये जो शहर है जहां पे ये दोनों रहते हैं, उस शहर के 4 दीवारी, यानी कि जो जो भी शहर है उस शहर के चारों तरफ दीवार बनी हुई है ताकि बाहर से कोई जल्दी आ ना सके और कहीं से आक्रमण ना हो जाए। पुराने टाइम पे बच्चों ऐसा ही होता था,
कि भी बाहर से कोई आक्रमण ना कर दे, उनके शहर को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए दीवार बनाई जाती थी। तो वो दीवार, ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है ना, ये है भाई वो दीवार। तो आफंती बोलता है, अब आगे आफंती बोलता है कहां पे ले जाके उसे, उसे उस चार दीवारी के पास ले जाकर और बोलता है क्या, चलो भाई पढ़ते हैं, पता लगता है भाई क्या बोल रहा है। तो ये रहे आफंती और ये बोलते हैं, जरा इस रुमाल को दीवार के पार फेंक कर दिखाओ। जो ये दीवार है, जो ये दीवार बड़ी ऊंची से जो दीवार दिख रही है, इस दीवार की बात करता है वो और बोलता है इस दीवार के उस पार फेंक के बताओ मुझे इस रुमाल को, जरा देखे तो सही तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तो आफंती ने ये रुमाल दे दिया। तो अभी पहलवान बोलता है, यह अभी कोई बड़ी बात है? पहलवान क्या बोलता है हंसते हुए, अरे भाई यह भी कोई बड़ी बात है, एक रुमाल ही तो है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन जो हमारा आफंती है भाई, ये तो कुछ सोच समझ के उसने ऐसा किया होगा। तो वो बोलता है, अब आगे देखो क्या होता है भाई। तो पहलवान ने रुमाल उठाकर पूरी ताकत लगाकर जोर से फेंका, और ये जो पहलवान है दीवार के उस पार रुमाल को पहुंचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि रुमाल हल्का होता है भाई, और इस पे उसने पूरी ताकत लगाई कि रुमाल उस पार चला जाए। लेकिन भाई आगे क्या हुआ होगा, जरा सोच के बताओ भाई मुझे, क्या रुमाल पार चला गया होगा? आप लोग बताओ भाई क्या हुआ होगा। तो रुमाल, लेकिन रुमाल वहीं गिर गया, यानी कि जहां से फेंक रहा था पहलवान वहीं पर रुमाल गिर गया और ये रुमाल उस पार नहीं जा पाया। और जो हमारे जो आफंती है वो ठाके मार के ऐसे ऐसे करके ठाके मार मार के हंस पड़ा। कौन? आफंती। कि भाई तुम तो कह रहे थे भाई बहुत बड़े पहलवान हो, और तुम पता नहीं कितने कुंटल की बात कर रहे थे कि तुम कुंटल पत्थरों को उठाकर आसमान में फेंक सकते हो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने तो सिंपल से एक रुमाल बोला कि रुमाल को दीवार के पार कर दो। ठीक है, किसने बोला था ये? ये आफंती ने बोला था। अब देखो भी आगे क्या होता है। अब आफंती बोलता है, अब मेरी ताकत देखो। आफंती क्या बोलता है कि अभी तक तो तुमने ताकत लगाई थी, अब मेरी बारी भाई, अब मेरी ताकत देखो भाई, मेरे अंदर कितनी ताकत है। चलो भाई देखते हैं भाई किस ताकत की बात कर रहा है। अब आफंती की भी ताकत को देख लेते हैं। तो आफंती ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, ये जो आफंती है इसने क्या किया, एक छोटा सा पत्थर उठाया, रुमाल में उसे बांधा और दीवार के पार फेंक दिया। तो जो ये जो आफंती, उसने क्या किया, उस हल्के रुमाल को भारी करने के लिए थोड़े एक पत्थर उठाया छोटा सा और उस रुमाल के साथ बांध दिया और उसे उस पार फेंक दिया। जब उसने फेंका तो भाई रुमाल को क्या हुआ, फेंका होगा तो रुमाल में उसने जो बांधा था, उस पत्थर को जो बांधा था, तो पत्थर को बांधने की वजह से वो क्या हो गया, दीवार के पार हो गया। जब दीवार के पार हो गया तो भाई ये साबित हो गई कि भाई अकल बड़ी नहीं होती है कि भैंस बड़ी होती है, कौन सी चीज ज्यादा बड़ी होती है? पहलवान तो यही सोचता है कि अकल बड़ी नहीं होती है। ठीक है, अकल बड़ी नहीं होती बल्कि ताकत बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या बड़ी है भाई, यहाँ पे ताकत बड़ी है, अकल बड़ी है? तो भाई अकल ज्यादा बड़ी है। तो उसने अपना अकल यूज करके, यानी कि अपना दिमाग यूज करके हल्के रुमाल को भी पत्थर बांध करके उस पार फेंक दिया। अब बताओ भाई कौन ज्यादा ताकतवर है? बच्चों ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो भाई कौन ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो ये थी बच्चों पहली कहानी जिसमें हमने दो, एक पहलवान और आफंती के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि भाई आफंती अपने बारे में बता रहा था, यानी कि आपको ये पता लग गया कि अकल बड़ी है भैंस। तो भाई भैंस तो आपको देखने में बड़ी लग सकती है, लेकिन भैंस थोड़ी बड़ी होती है, अकल बड़ी होती है। समझे? किसने समझाया आपको इस कहानी के अंदर? आफंती ने बोल दिया भाई। क्या बोला आपको कि भाई अकल बड़ी होती है? कैसे पता लगा आपको? कि भाई उसने अपना अकल का इस्तेमाल करके उस रुमाल को फेंक दिया। चलो अब पढ़ते हैं अगली कहानी इसी पार्ट के अंदर जो आपके लिए दी गई है। कौन सी? लो अभी मैं निकालता हूं। अभी इसका नाम है कब आऊं। हेडिंग क्या है इसका? कब आऊं। और इसी पार्ट के अंदर अकल बड़ी या भैंस के अंदर ये दूसरी कहानी है। पहले में तो आपसे ताकत की बात की गई थी, अब इसमें बोला जा रहा है कब आऊं। देखते हैं भाई ये कब आऊं का मतलब क्या है भाई, जब तक कहानी नहीं पढ़ेंगे हमें समझ में नहीं आएगा। चलो पढ़ते हैं। अवंती, आफंती था वहां पे, यहां पे कौन है? अवंती। ठीक है, नाम बदल गया भाई, कोई और कैरेक्टर है यहां पे। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए
कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। एक आदमी है जिसका नाम है अवंती, और उसने क्या किया, एक दुकान खोली जिसके अंदर वो कपड़ों को रंगने का काम शुरू कर दिया। ठीक है भाई, सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा यानी कि तारीफ करने लगे, सब लोग उसकी तारीफ करने लगे कि भी जो अवंती है वो बहुत अच्छे काम करता है और रंगाई अच्छे से करता है। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली यानी कि उसकी दुकान चल गई, फेमस हो गई, सब लोग उसको जानने लगे और उसकी इनकम यानी कमाई भी बढ़ गई हो गई। तो अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब है जलन, कि भी उसे बहुत जलन हुई, ईर्ष्या महसूस होने लगी। किसको? एक सेठ को। तो चलो भाई, ये सेठ और जो, एक मिनट बच्चों, मैं आपको ये सेठ से और जो ये अवंती है दोनों से मिलवा देता हूं। तो ये तो भाई वो अवंती है जिन्होंने एक दुकान खोली है जहां पे वो कपड़ों को रंगने का काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद अब मिलवाता हूं मैं आपको सेठ से, जिसको इसके इस काम से बहुत ईर्ष्या होने लग गई यानी कि जलन होने लगी कि भाई इसकी तारीफ इतनी ज्यादा क्यों होती है, इसकी दुकान इतनी क्यों चल पड़ी, भाई सब लोग इसकी दुकान की, इसके काम की तारीफ क्यों करते हैं। इससे इसको जलन होने लगी। चलो भाई, अब देखते हैं आगे क्या होता है इस कहानी में। अवंती जो इस कहानी में जिसकी दुकान है उसके साथ अब क्या होता है, अब आगे देखते हैं। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़ों का एक टुकड़ा लेकर के, यानी कि जो सेठ था वो कपड़ों का एक टुकड़ा लेकर के अवंती की दुकान में जा पहुंचा। अब जो अवंती की जो दुकान थी, जैसा कि मैंने अभी फोटो में दिखाया आपको कि अवंती की जो दुकान थी, उस दुकान पे ये सेठ एक कपड़े का टुकड़ा लेकर के पहुंच गया। किसके पास? अवंती के पास पहुंच गया, इसको परेशान करने के लिए कि भी अब रुको, तुम्हारी इतनी प्रशंसा हो रही है, रुको मैं तुम्हें बताता हूं, मजा चखाता हूं। तो उसे परेशान करने के लिए पहुंच गया। भाई अब लगता है कुछ कहानी में अलग आने होने वाला है, यानी कि कोई ट्विस्ट आने वाला है। क्या पढ़ते हैं भाई, जब वो दुकान पे पहुंचा, अवंती की दुकान में जब पहुंचा, देखते हैं क्या होता है। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, बुलंद यानी कि बहुत तेज आवाज में बोला, अवंती जरा ये कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा हुनर यानी कि तुम्हारा जो स्किल है यानी काम करने का जो तरीका है कैसा है, तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी इसलिए आया हूं। तो सेठ क्या बोलता है, बहुत बुलंद आवाज में यानी ऊंची आवाज में बोलता है, बुलंद का मतलब है ऊंची आवाज में बोलता है कि अवंती जरा यह कपड़ा अच्छी तरह से रंग दो, ये जो कपड़ा है इसे अच्छी तरह से रंग दो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा हुनर कैसा है, तुम कैसा काम करते हो, और तुम्हारी मैंने काफी तारीफ सुनी थी इस वजह से मैं आया हूं। तो अवंती ने सेठ से पूछा, कौन अवंती क्या बोलता है, सुनो सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। अवंती ने क्या पूछा कि सेठ जी आप इस कपड़े को किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। किसने पूछा? अवंती ने पूछा भाई कि भाई सेठ जी आप जो ये कपड़ा लाए हो, कपड़े का जो टुकड़ा लाए हो, इसे कौन से रंग में रंगवाना चाहता हूं, जरा मुझे बता दो फिर मैं रंग दूंगा। तो सेठ बोलते, सेठ ने कहा रंग, क्योंकि सेठ तो भाई क्या बोलते हैं, घमंड से चूर है और वो तो उसे मजा चखाने आया था, तो वो बुलंद आवाज में बोलता है, रंग रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो नहीं है, तो नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला, बैगनी कतई अच्छे नहीं लगते। ओ भाई साहब, ये क्या बोल रहा है, ना इसे भाई पीला रंग पसंद है, ना इसे लाल रंग पसंद है, ना इसे नारंगी रंग पसंद है, ना ही नीला रंग पसंद है, ना ही आसमानी पसंद है, ना ही काला पसंद है, और तो और बैगनी भी पसंद नहीं। भी जब इतने सारे रंग पसंद ही नहीं है इस सेठ को, तो भाई रंगे किसमें, हो गई ना मुसीबत। तो इस तरह से ये जो सेठ है अवंती को परेशान करने के लिए आ गया। लेकिन भाई हमारा जो अवंती है वो भी अकल का इस्तेमाल करेगा, क्या कैसे, जरा देखो भाई वो क्या बोलता है। अब जब उसकी बात को समझोगे तब आपको और मजा आएगा। समझेगी नहीं, कौन बोलता है, सेठ बोलता है, समझेगी नहीं कि मुझे कौन कौन से रंग पसंद नहीं है, मैं अच्छे से तुम्हें बता देता हूं। तो अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूं, अच्छी तरह से समझ गया हूं। तो जो अवंती है वो कहता है, मैं समझ गया हूं और अच्छे से समझ गया हूं। क्या समझे, अब वो बताता है। देखो भाई, तो
मैं जरूर आपकी, फिर वो कहता है मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा, यानी कि जो रंगाई आप चाहते हो इस कपड़े के ऊपर मैं आपको उसी तरह की रंगाई आपको कर दूंगा जैसी आप चाहते हो। ठीक है भाई, कौन बोलता है ऐसा? ऐसा बोलता है हमारा अवंती। तो अवंती ने सेठ का मनसूबा, मनसूबा यानी कि उसके मन में क्या चल रहा है, कि क्या सोच के वो यहां आया है, क्या सोच के आया था भाई, जरा कमेंट करके तो बताओ मुझे क्या सोच के आया वो भाई अवंती को बस परेशान करने आया है, क्योंकि उसकी हर जगह तारीफ होती है और इसी बात की ईर्ष्या से वो यहां पे आया था भाई। तो ये चीज अवंती समझ गया, उसके मनसूबे को भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। जो अवंती है सेठ से वो कपड़े का टुकड़ा ले लेता है और क्या कहता है सुनो जरा। सेठ ने खुश होकर कहा, अब जो सेठ है वो बड़ा खुश हो गया, कहता है अच्छा तो इसे लेने मैं किस दिन आऊं। सेठ क्या बोलते हैं कि भाई इसे अब मैं लेने कब आऊं, जरा उसके बारे में मुझे बता दो। तो लो भाई अब सुनो भाई किस दिन बोलता है वो। तो अवंती ने कपड़े को, जो अवंती है उसने भाई पहले तो उसकी जो मनसूबे हैं, मनसूबे का मतलब है कि उसके मन में क्या है, उस चीज को समझते हुए पहले तो वो समझ गया भाई ये जो सेठ है उसे क्या करने आया, परेशान करने आया है, तो वो बात वो समझ चुका था। और इस चीज को भांपते हुए जानते हुए वो बोलता है कि भाई जब सेठ बोलता है खुश होकर के, भाई मुझे ये बता दो भाई मैं ये लेने कब आऊं, इसके बारे में मुझे बता दो। तो अवंती ने, अवंती क्या बोलता है सुनो। तो अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया। जो अवंती है वो क्या करता है कपड़े को अलमारी में ताकि संभाल के रख सके, भी सेठ का कपड़ा है कहीं बाद में झगड़ा ना करने लग जाए अगर कपड़ा खो जाए तो पहले उसे संभाल के वो क्या करता है उस कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, पता है क्या बोला, जरा पढ़ते हैं भाई फिर पता लगेगा हमें। कहता है आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। किस किस दिन? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार या रविवार, यानी कि वीक के अंदर, सप्ताह के अंदर जो 7ों दिन है इन 7ों दिन को छोड़ करके अब किसी भी दिन आ जाए, यानी कि ऐसा कोई दिन ही नहीं है जिस दिन आपको आना पड़ेगा। देख लो भाई अवंती ने दिमाग लगाया, जैसे आफंती ने पत्थर को पार फेंक दिया था ना पिछली वाली कहानी में, उसी तरह से दिमाग लगा करके अवंती जो है वो क्या कहता है कि सेठ जी आप इन सारे दिन को, जैसे उसने बोला था ना इस कलर को नहीं करना है, इसको छोड़ करके कोई सा भी कलर कर दो, उसी तरह से ये जो हमारा जो अवंती है वो भी कह देता है भाई इस दिन को छोड़ करके अब किसी भी दिन आ सकते हो। तो सेठ समझ गया, अब जो सेठ है वो भी समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई। उल्टी पड़ गई यानी कि वो तो भाई उसे मजा चखाने आया था, ठीक है वो उसे मजा चखाने आया था, परेशान करने आया था, लेकिन भाई अवंती ने उसका जवाब दे दिया, यानी कि उसे उल्टी पड़ गई जो उसने चाल चलना चलने की कोशिश की थी। तो इसलिए आपसे बोला जा रहा है सेठ समझ गया उसकी उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। खिसकना यहां से चले जाना, यानी खिसकने का मतलब यहां पे क्या, वहां से चले जाने में मेरी भलाई है। फिर सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं करी। जो सेठ है जो कि उसे परेशान करने बच्चों आया था, वो अब उसकी दुकान में दोबारा घुसने की हिम्मत नहीं करी। तो ये थी भाई हमारी इस कहानी के अंदर अवंती और सेठ की, जिसमें अवंती जो था एक रंगाई करने वाला एक दुकानदार था जो कि भी अपनी दुकान को चलाता था और काम करता था उसके अंदर, लेकिन भाई एक सेठ जो कि उसकी तारीफ को सुन के भाई उससे ईर्ष्या करते हुए आया था। तो ये है वो सेठ जो कि भाई इसे यानी कि अवंती से ईर्ष्या करते थे, उससे जलते थे भाई, और लेकिन भाई जब वो परेशान करने आया तब उसने भी दिमाग लगाया और दिमाग लगा करके क्या किया भाई, उसे जवाब दे दिया, यानी उसे उल्टी जवाब, उसने उल्टा जवाब प्रॉपर तरीके से दे दिया, ठीक है, ताकि जो वो परेशान करने आया था उल्टा उसने उसे वो परेशान कर दिया। अब दोबारा सेठ उसकी दुकान पे कभी भी नहीं आया। तो बच्चों अब बताओ मुझे आपको इन दोनों कहानी में से सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगी, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करो भाई, ताकि मुझे पता लग सके कि आपको मेरी
जो कहानी है जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको पसंद आया भी कि नहीं आया, कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हो। और हाँ, अपना नाम जरूर लिखना भाई, ताकि मुझे पता लगे कि भाई आप कौन हो, कि भाई ये जो दो कहानी, एक तो अवंती की कहानी और दूसरा आफंती की कहानी जो मैंने आपको पढ़ाई, इसके बारे में जरूर बताना कमेंट करके, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करना, ठीक है। चलो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बच्चों करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम इस पार्ट यानी इस कहानी से रिलेटेड प्रश्न उत्तर को हम लोग करेंगे। तो अभी तो हमने फर्स्ट पार्ट में इसके बारे में पढ़ा, सेकंड पार्ट में इसका प्रश्न उत्तर को करेंगे। चलो बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं अब अगले पार्ट के अंदर। अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर को करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो, ठीक है। चलो बाय बच्चों।